दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज से चलेंगी 200 ट्रेनें। 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों में करीब 26 लाख टिकट बिक चुके हैं। पहले दिन इसमें आपको बता दें कि 1.5 लाख टिकट यात्री करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि कितने यात्री इसमें सफ़र करेंगे, कौन कौन से और कहां कहां से ट्रेन को चालू किया जाएगा। तो इस वीडियो को बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों में बहुत ज़्यादा छूट भी दिया गया है और इसका जो नियम है भी बदल दिया गया है, यानी कि जो अब ट्रेन चलने वाली है उसमें काफ़ी सारे नियम को बदल दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनों में 120 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। इनमें अब तत्काल कोटे से भी टिकट मिल सकते हैं। रेलवे ने 200 ट्रेनों का चार्ट जारी किया है। ये श्रमिक और पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों के अलावा है। और आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार है। सोमवार यानी कि 1 जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गई है। स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं कराया है तो जल्दी से करा लीजिए। सभी ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी है, लंबी वेटिंग लिस्ट भी है। और आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों में 30 जून तक करीब 26 लाख टिकट बिक चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले दिन 1.45 लाख यात्री ट्रेनों में सफ़र करेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार स्पेशल ट्रेनों में अब 120 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने लॉकडाउन में टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाकर 30 दिन ही कर दी थी। नई व्यवस्था में अब तत्काल कोटे से भी टिकट मिल सकते हैं और यह सुविधा रविवार सुबह 8 बजे से ही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो अब अपने घर पर जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि टिकटें ऑनलाइन IRCTC और मोबाइल ऐप और ऑनलाइन के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। सिर्फ कन्फर्म RAC टिकट वाले यात्री को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें कि सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट वालों को ही। और दोस्तों आपको बता दें कि यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुँचना होगा। ट्रेन किराए में किसी भी तरह की कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगी, यानी कि अलग से आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यात्रा के दौरान चादर, कंबल और तकिया नहीं दिए जाएंगे, यात्रियों को साथ में लाना होगा। ये पहले ही कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सरकार ने कोरोना वायरस से चलते सभी जितना भी कंबल है, चादर है, हटा दिया है। आप फ्रेश अपने घर से लेके आएँ, अच्छा लेके आएँ। सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहनना बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि इससे कोरोना वायरस संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है अगर आप नहीं पहनेंगे तो। वहीं आपको बता दें कि सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि इस देश को और भी आर्थिक मदद मिल सके। यात्रा के दौरान टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले ही तैयार किया जाता था। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।